हाय गाइस, सो आज इस लेक्चर में हम लोग 11th क्लास की आईआईटी जेई मैथमेटिक्स को चालू करने वाले हैं और इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग यहां पे सेट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। अब कुछ भी आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ये सेट थ्योरी जो टॉपिक है अपने लिए क्यों जरूरी है। आईआईटी जेई एग्जामिनेशन या बाकी जो हमारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें इसका स्कोप क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी बोर्ड्स की किताब उठाओगे, एनसीईआरटी बुक उठाओगे, तो आपको सेट थ्योरी जो है पहला टॉपिक 11th में मिलेगा। तो 11th मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सेट थ्योरी होता है। बोर्ड की बुक में सेट थ्योरी के नाम पे आपको सेट से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, सेट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अब बेटा 10th स्टैंडर्ड में कुछ एक बच्चे ऑलरेडी सेट थ्योरी को पढ़ के आते हैं, कुछ एक बोर्ड्स में सेट थ्योरी ऑलरेडी उनके सिलेबस में होता है, कुछ एक बोर्ड्स में सेट थ्योरी उनके सिलेबस में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी को बिल्कुल ही बेसिक से कवर करने वाले हैं कि इसमें जो जो आपके रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अलावा आईआईटी जेई की तैयारी में हमें कुछ एक बेसिक लेवल की बातें और पता होनी चाहिए, जैसे इंडेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लॉगरिथमिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लॉगरिथमिक का मतलब क्या होता है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक का नाम यहाँ पे सेट थ्योरी लिखा है, आप इसको समझ सकते हो कि बेसिकली ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका एक टॉपिक है जहां पे हम लोग सेट थ्योरी के अलावा भी कुछ एक मैथमेटिक्स के छोटे मोटे फंडों को कवर करने वाले हैं। अब बेटा ये जितने भी आपके फंडे हैं, ये फंडे हो सकते हैं आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा हो, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में इन सारे फंडों को आपने पढ़ा होगा जो एक्स्ट्रा फंडों को हम लोग कवर करेंगे। बट उसके बाद भी हम लोग एक बार सारी चीजों को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 11th में बच्चों को पता लगे इंडिसेस की प्रॉपर्टी में ही कंफ्यूजन है, पता लगे सर्ट्स क्या होते हैं उसी में बच्चों को कंफ्यूजन है, या फिर छोटा मोटा प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, उसी में बच्चों को कंफ्यूजन है। तो बेटा यहाँ पे सेट थ्योरी में जो पुरानी मैथमेटिक्स है जो कि आपने 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ी होगी, उस सारी की सारी मैथमेटिक्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट थ्योरी से हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अब बेटा आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहना है, हालांकि इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ लेक्चर भी मिलने वाला है, जो जो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको एक पीडीएफ भी वीडियो के साथ मिलने वाला है। तो एज सच मतलब अगर वीडियो के दौरान अगर आपसे कुछ एक पॉइंट्स मिस हो जाते हैं तो पीडीएफ में वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी रहेंगे। फिर भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना नोट्स खुद से बनाते रहो। बेटा मैं तो पीडीएफ वाला पूरा नोट्स देने वाला हूं, बट एक बात पता है ना, जो आपका खुद का नोट्स होगा उससे बेहतर दुनिया में किसी भी राइटर का नोट्स नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, खुद का नोट्स बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जितना अच्छा आप नोट्स लिख सकते हो उतना अच्छा दुनिया का बेहतर से बेहतर राइटर भी नोट्स नहीं लिख सकता है, क्योंकि आपका नोट्स आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होता है, आपका नोट्स आपके अकॉर्डिंग होता है। जो जो पॉइंट्स आपको कम समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, उन पे आप लोग ज्यादा फोकस करते हो। इसलिए रिकमेंडेशन हमेशा होता है खुद का नोट्स बनाओ। बाकी बेटा इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स आपका मिलेगा, इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो जो बातें हम लोग करेंगे, उसके अलावा इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो जो आपके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछो तो के ऐप पे मिलने वाले हैं। तो एनीवे अब हम लोग फॉर्मली टॉपिक को चालू करते हैं। सेट का डेफिनेशन होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसको आप लोग चाहे कॉपी में लिख सकते हो, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे एक बेटा हम लोगों ने टर्म यूज किया कि वेल डिफाइंड। सवाल ये उठता है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको कुछ एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि
इंडिया में अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उन सारे प्राइम मिनिस्टर्स का कलेक्शन, तो बेटा ये वेल डिफाइंड है। मान लीजिए श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है तो आपको कंफर्म है कि अंकित कुमार गुप्ता उस लिस्ट में शामिल नहीं है, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मैंने बोला इंडिया में सारे प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में कौन कौन क्वालिफाई करने वाला है। या फिर अगर मान लो मैं, तो मतलब सारे प्राइम मिनिस्टर का जो लिस्ट है उसको आप लोग सेट बोलोगे, या मैं एक सिंपल सी बात करूं, मैंने बोला वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, एग्जाम्पल समझो, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो अब 5 से बड़े 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स आप बोलोगे 6, 7, 8, 9, ये 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो अब इन 4 नंबर के कलेक्शन को भी आप सेट बोल सकते हो चूंकि ये वेल डिफाइंड है, समझ रहे हो ना? अब क्या सेट नहीं होगा, मैंने बोला दुनिया में सारे इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट। अब यार दुनिया में सारे इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट की बात करोगे, मान लो मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, भाई किसी की नजरों में हो सकता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, और ये भी पॉसिबल है कि किसी की नजरों में बड़ा बेवकूफ आदमी हूं मैं। तो अब अंकित कुमार गुप्ता इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की नजरों में अब मैं इंटेलिजेंट हूं, किसी की नजरों में मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो अगर आप दुनिया में सारे इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट की बात करोगे तो यार हर एक बंदे पे डिबेट हो जाएगा, आप छोड़ो आइंस्टाइन और न्यूटन पे डिबेट हो जाएगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे आइंस्टाइन जो है इंटेलिजेंट नहीं है, वो अलग बात है कि अधिकतर लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट है। मतलब चूंकि बेटा इंटेलिजेंस का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा स्केल तो आता नहीं जिससे आप इंटेलिजेंस को नाप लो एज सच। तो इस हिसाब से अब दुनिया में सारे इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट, तो अब इसमें भी कंफर्म नहीं है कौन क्वालिफाई करेगा कौन क्वालिफाई नहीं करेगा, तो ये आपका सेट नहीं होगा। या फिर मान लो एक एग्जांपल लो, दुनिया में सारे ब्यूटीफुल लोगों की लिस्ट, दुनिया में सारे ब्यूटीफुल लोगों की लिस्ट। अब देखो, अब इसमें आप लोग मानोगे, भाई मान लो कोई एक्ट्रेस है कीर्ति सेनन, अब कीर्ति सेनन यार किसी को ब्यूटीफुल लगती है, ऐसे भी दुनिया में कुछ लोग होंगे जिनको ब्यूटीफुल नहीं लगती है। तो अगर मैं दुनिया में सारे ब्यूटीफुल लोगों की लिस्ट की बात करता हूं और मैं आपसे आप पूछूं कि कीर्ति सेनन उसमें शामिल होनी चाहिए या नहीं शामिल होनी चाहिए, तो इसमें भी कुछ लोगों का जवाब हाँ आएगा, कुछ लोगों का जवाब ना आएगा। मतलब दुनिया में जो सारे ब्यूटीफुल लोगों की लिस्ट है उसमें भी कंफर्म नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो बेटा यहां पे हमने सेट की डेफिनेशन बोली, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, मान लो अगर मैं मुझे इसका एग्जांपल लेना होता, जो बातें अभी हम लोगों ने जैसे पहला एग्जांपल, ठीक है, कि लिस्ट ऑफ ऑल पीएम्स ऑफ इंडिया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेट, सही ना? या फिर मैं बोलूं ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2, तो इसमें कौन कौन से आएगा, 3 एंड 4, दो नेचुरल नंबर्स बिल्कुल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। सेट का एग्जाम्पल क्या नहीं है, द लिस्ट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, द लिस्ट ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। अच्छा, सेट के कुछ एक और एग्जाम्पल आप दिमाग में सोचो, दुनिया में सारी कंट्रीज का लिस्ट। तो जस्ट एक बात बता रहा हूं कि लिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो लेट्स से ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये एक तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो इसी हिसाब से आप कई सारे एग्जाम्पल सोच सकते हो। थोड़े बहुत और आप एग्जाम्पल्स को सोचो, दुनिया में सारे कॉन्टिनेंट की लिस्ट, भाई अब तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी लिस्ट सबको कन्फर्म है, सारे ओशंस की लिस्ट, सारे मतलब समझ जाओ ना। तो इसी हिसाब से आप कई सारे सेट्स के एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो सेट का मतलब बेटा होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इसको हम लोग सेट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये तो डेफिनेशन की बात होगी, हमें पता लग गया कि सेट होता क्या है,
अब दूसरी बात यहां पे बनती है कि सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है, सेट को लिखने का क्या क्या मेथड है, इन सारी चीजों की बात करने वाले। तो अगला टॉपिक आप लोग कॉपी में डालिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कॉपी में डालिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब बेटा इन जनरल किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मान लो हमने एक कैपिटल लेटर हमने ए बोल दिया, तो ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अब जैसे वही बात है, अभी हम बोल देते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। अब इस लिस्ट को हम लोग कैपिटल लेटर में ए लिख देंगे तो उसको हम लोग सेट ए बोल देंगे। व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन जनरल इसको कैपिटल लेटर आप ए बी सी यू बी एटसेट्रा इन सारी चीजों से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल अपने दो तरीके पाए जाते हैं, ठीक है। दो तरीकों में पहला आपका होता है टैबुलर फॉर्म और दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, पहला एक टैबुलर फॉर्म है, दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब दोनों फॉर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टैबुलर फॉर्म का मतलब यह होता है कि जो जो बेटा सेट के मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने आपसे बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो अब इसमें सेट के एक मेंबर के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को आप उस सेट का एलिमेंट बोलोगे। इस सेट के एक मेंबर के तौर पे श्री मनमोहन सिंह जी का नाम होगा, तो श्री मनमोहन सिंह जी को आप लोग यहाँ पे एक एलिमेंट बोलोगे। तो बेटा जो सेट का मेंबर होता है उसको हम लोग एज सच मैथ्स में सेट का एलिमेंट बोलते हैं। तो बात समझ में आई, सेट का मतलब होता है कुछ एक मेंबर्स का कलेक्शन, कुछ एक एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो सेट के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो सेट्स ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया में इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई एटसेट्रा, श्री नरसिम्हा राव, तो ऐसे इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स को आप उस सेट का एलिमेंट बोलोगे। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है उनको कॉमा लगा लगा के लिख दो। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हमने बोला एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर आपके 1 से 5 के बीच में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 और 5 दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो अगर सेट ए में 1 से 5 के बीच में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो पहली बात तो बेटा ऐसे आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हो। सेट को लिखने के लिए आप एक कर्ली ब्रेकेट बनाते हो और कर्ली ब्रेकेट के अंदर जितने आपके एलिमेंट्स हैं, अब 1 से 5 के बीच में सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन सारे के सारे बेटा नेचुरल नंबर्स को आप लोग ऐसे कॉमा लगा लगा के लिखते हो। तो ये सेट को लिखने का तरीका होता है। तो दिस इज हियर कैपिटल ए इज अ सेट विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। What is capital A? Capital A is a set which is representing all the natural numbers from 1 to 5. So this is one example capital A. या फिर ऐसे में कुछ भी लिखो, हमने बोला capital B, ठीक है, मान लो एक नया set define करते। अब मान लो हमने बोला वही, मान लो let's say अपन ने बोल दिया कि capital B ऐसा है, दुनिया में जितने continents हैं, दुनिया में जितने continents हैं उनकी list, उसको हमने कैपिटल बी बोल दिया। तो बेटा दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट है उन सारे कॉन्टिनेंट को आप लिख से चले जाओ कि लेट से अपन एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, अपना लेट से यूरोप हो गया, अपना लेट से अमेरिका हो गया, अपना लेट से अफ्रीका हो गया। तो अब दुनिया में ऐसे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को लिखते चले जाओ, इसको आपने क्या बोल दिया? कैपिटल बी। अब यहाँ पे बेटा जितने भी कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सॉरी, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को आप कैपिटल बी सेट का एलिमेंट बोलोगे। समझ में आ रहा है? या फिर हमने बोला कि लेट से एक सेट हमारा कैपिटल सी है, वही बात है, लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, तो आपने सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के नाम को लिख लिया, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह,
श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरसिम्हा राव, लेट्स से श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से आपने सारे के सारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का अगर आपने नाम लिख लिया तो आपका ये कैपिटल सी सेट क्या होगा, द लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स। अब जितने भी बेटा यहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर्स के नाम को लिखे हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखी कि यार सेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका हो सकता है जहां पे सेट को इन जनरल आप कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हो, एक कर्ली ब्रेकेट बनाते हो, कर्ली ब्रेकेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को आप कॉमा लगा लगा के लिखते रहते हो। सेट को लिखने का जो ये तरीका है, इस वाले तरीके को ही बेटा हम लोग बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। सेट को लिखने का जो ये तरीका है, इस वाले तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है जितनी भी सेट्स के एलिमेंट हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को वहां पे आप लाइन लाइन से लिख दो, जो सेट बनेगा उसको बोला जाएगा सेट को हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म का मतलब सिंपली हमने एलिमेंट्स को लिख दिया, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो टैबुलर फॉर्म का मतलब सिंपली जितने एलिमेंट्स उन सारे के सारे एलिमेंट को उस सेट के अंदर लाके झोंक दो, वो आपका टैबुलर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि बेटा आपको एलिमेंट्स को नहीं लिखना है या एलिमेंट्स को आपको उनकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे आपको याद है ना पहला वाला सेट हमने क्या था, ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ये सेट बिल्डर। अब मान लो इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप ऐसे लिखोगे कैपिटल ए, अब ध्यान को देखिएगा, कैपिटल ए इज ए सेट जिसमें एक एलिमेंट आपका एक्स है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। अच्छा बेटा ये हमारा सिंबल होता है सच दैट का, तो ये आप लोगों को ध्यान भी रखना है आगे भी यूज होगा, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल हमारा है सच दैट, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल ए सेट में एक्स है सच दैट, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है। एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं सही से लिखता हूं, हाँ आते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है। अच्छा ये सच दैट का सिंबल हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया बिलोंग्स टू का। तो थोड़ी बहुत ऐसे बेटा टर्मिनोलॉजीज हैं जो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे, खैर बहुत ही सिंपल है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल ए का मेंबर जो है एलिमेंट है वो एक्स है और एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। फर्दर क्या इंफॉर्मेशन लिखी कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब आप लोग खुद सोचो, ये वाला जो हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है और यहाँ पे जो हमने कैपिटल ए लिखा था, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम बोले कि एक नंबर x है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और उसके अलावा जो x की वैल्यू 1 से शुरू होती है और 5 तक जाती है, तो 1 से 5 के बीच में जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 5 उनको आप बोलोगे आपका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या समझ में आया कि दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम सेट ए। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द टैबुलर फॉर्म, वेयर एज दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी डू नॉट राइट द एलिमेंट एज सच बट वी राइट द एलिमेंट According to their property, using their property, हम elements को उनकी property को use करके लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा वाला हमने लिखा था set B, अब again लिखने का तरीका समझो, B is equal to the set B is, B वाला set आपको याद है ना जिसमें list of all the continents थे, X such that X बी वाला जो एलिमेंट उसमें एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स इज अ कॉन्टिनेंट, एक्स इज अ कॉन्टिनेंट। तो अब काम खत्म हो गया,
भाई इसी चीज को हमने पूरा का पूरा सारे कॉन्टिनेंट्स को ऐसे लिख दिया था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि बी वाले सेट में एक एलिमेंट एक्स है और एक्स सारे के सारे कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। लेट से हमने सी वाला सेट, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट थी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सी वाला सेट में जो एलिमेंट है एक्स है, सच दैट एक्स इज द लिस्ट ऑफ पीएम्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी पीएम्स हैं उन सारे पीएम्स की जो लिस्ट है, पीएम्स इन, अरे यार रुको ये बस सही से लिखते हैं इसको, काफी नीचे हो गया बेटा, हाँ ये अब आप सही है, एक्स सच दैट एक्स इज द लिस्ट ऑफ ऑल पीएम्स इन इंडिया, तो ये बेटा लिखने का दूसरा तरीका हो गया। तो एग्जाम में जैसे आपसे छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या फिर रोस्टर फॉर्म में दिया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ये सारे के सारे सवाल आपके बहुत ही आसान सवाल होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखें, जो बहुत ही कॉमन सा सवाल आपके बोर्ड्स की बुक में होता है, ए हमारा सेट है ठीक है, उसमें एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ ये कौन सा फॉर्म है, ये टैबुलर फॉर्म है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एलिमेंट्स को साफ साफ नहीं बोला गया क्या है, जबकि एलिमेंट्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया, तो आप इसको बोलेगा कि इसको आप टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा कुछ नहीं है, जो आपका क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका जो सोल्यूशन होगा, जो जो एक्स की वैल्यूज होंगी वही बेसिकली कैपिटल ए सेट का मेंबर हो जाएगा। इसको आप फैक्टराइज करते हो, होपफुली आपको फैक्टराइज करना आता होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन या टू, तो x इज इक्वल टू वन एंड टू पे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली सॉल्व होता है। तो कैपिटल A वाला जो सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, अब उसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैपिटल A वाले सेट को ही लिखने का तरीका होगा कि कैपिटल A वाले सेट में एक मेंबर या एलिमेंट है 1, दूसरा मेंबर या एलिमेंट है 2। तो कैपिटल A वाला सेट जो है इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐसे बेटा अगर कोई भी आपका अगर छोटा मोटा सवाल आता है तो उसको आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपनी बोर्ड्स की किताबों में भी देखेंगे इस पर कई सारे सवाल होंगे। अब से सवाल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, उसमें लिखा होगा कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, तो उन सारी चीजों को बेटा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को खुद ब खुद पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसा कि कुछ एक हम लोगों ने सिंबल्स को सीखा, अभी ये अपना सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये सिंबल अपना होता है सच दैट का, तो इन सिंबल को हम लोग यूज भी करने वाले हैं। अब जैसे कैसे, मान लो इसे एक सेट हमारा ए है, अब ए वाले सेट में हमने एलिमेंट बोला 1 2 3 4 5, अब जैसे 5 जो है वो कैपिटल ए वाले सेट को बिलोंग करता है, तो बेटा लिखने का तरीका ये होता है कि 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, या कुछ भी, अब जैसे 6 जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग नहीं करता, तो कई बार हम क्या लिखते हैं, 6 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। अब बेटा एक बात आप लोग समझिए कि मैं ऐसा नहीं बोलूं कि IIT JEE में ये सब पूछा जाता है, बट यार सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके सिंबल्स को यूज करके बेसिकली IIT में क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो सेट थ्योरी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से मतलब आप बोलोगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, जबकि सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसके सिंबल्स को, जिसकी लैंग्वेज को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो बेटा सेट थ्योरी हमें क्यों आना चाहिए, जिससे कि IIT JEE में सेट थ्योरी हमें क्यों आना चाहिए, जिससे कि IIT JEE में अगर कोई क्वेश्चन सेट के फॉर्म में लिखा गया है, किसी क्वेश्चन में सेट थ्योरी की लैंग्वेज को यूज किया गया है, तो सबसे पहले यार हमें लैंग्वेज को पढ़ना तो आना चाहिए, लैंग्वेज हमें समझना तो आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि सेट थ्योरी जो है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, सेट थ्योरी जो है वो मैथमेटिक्स का ग्रामर है,
इसी को यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें, क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेट थ्योरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट भी हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए एक एक सिंबल जो जो बता रहा हूं उन सारी चीजों को हमें सीखते हुए चलना है। तो यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए एंड 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये सारी बातें ठीक है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना, कि सेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब यार इसमें हम लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जो नाम होगा ना मोस्टली आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एक आपका जो कॉमनली आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके कैपिटल ए हमारा सेट है 1 2 3 4, तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या 4 के बराबर है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। दूसरा ऑब्वियस सी बात है आपको पता लग गया होगा, दूसरा आपका आएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने ए सेट को लिखा, ए सेट में बोला कि हमारा कोई नंबर x है, ठीक है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कैपिटल ए वाले सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं जो कि 2 से बड़े हैं, तो इसमें बेटा इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका चलते ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि कैपिटल ए एक्स एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। अच्छा थर्ड नंबर पे आपका आता है एम्प्टी सेट, इसी एम्प्टी सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट या नल सेट, कुछ कुछ बच्चे यहां पे मैसेज कर रहे हैं मिसिंग दैट क्लॉथ अल्टीमेट सर जी, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू, आप लोग अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिए, ठीक है, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके सामने आते रहेंगे। एनीवे तो हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट की बात करते हैं। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि एम्प्टी सेट या नल सेट का ऐसा मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अब ऐसा कोई सेट सोचो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, बहुत ही सिंपल सा काम है। मैंने बोला वो सारे नेचुरल नंबर्स, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 10 से बड़े हैं बट 5 से छोटे हैं। अब आप लोग खुद सोचो ऐसा कोई नंबर है जो 10 से बड़ा और 5 से छोटा हो। भाई जो नंबर यार 10 से बड़ा होगा वो ऑब्वियसली 5 से बड़ा होगा। तो अगर मैंने बोला कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 10 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं। जो नंबर 10 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। या फिर मैंने ऐसा बोला कि दुनिया में वो सारे ह्यूमन बीइंग का लिस्ट जिनका वजन 500 किलोग्राम है या फिर 1000 किलोग्राम है, दुनिया में वो सारा ह्यूमन बीइंग जिनका वजन 1000 किलोग्राम है। अब बताओ इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जिसका वजन 1000 किलोग्राम हो? तो अगर आप टॉर्च लेके दुनिया में ढूंढने निकलोगे कि भाई हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं उसमें हमें ऐसे बंदे का नाम लिखना है जिसका वजन 1000 किलोग्राम होना चाहिए, तो दुनिया में आपको कोई मिलेगा नहीं, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो बेटा एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अब इसका सिंबल क्या होता है, जैसे पहली बात तो अगर सिंपली ऐसे लिखा है सेट का, हमने कर्ली ब्रेकेट बना दिया बीच में कुछ नहीं लिखा, तो ये एम्प्टी सेट को इंडिकेट करता है। या फिर कई बार बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है फाई, फाई का मतलब भी क्या होता है एम्प्टी सेट, तो ये दोनों चीजें आपकी बराबर है। जनरली बेटा हमने बताया था सेट को हम एबीसीडी से लिखते हैं, तो एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका क्या है, उसके लिए सिंबल होता है फाई। एम्प्टी सेट के लिए सिंबल क्या होता है फाई, और अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी बेटा इसमें छोटे मोटे एग्जांपल्स आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे चौथा, चौथे में आपका आता है इक्विवेलेंस
सेट। अब इक्विवेलेंस सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, ऐसे दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने एक सेट ए लिखा जिसमें एलिमेंट मान लो 1, 2, 3 है, एक सेट हमने बी लिखा लेट्स से जिसमें एलिमेंट आपका एक्स वाई जेड है। अब ए सेट में एलिमेंट की संख्या 3 के बराबर है, बी वाले सेट में भी एलिमेंट की संख्या 3 के बराबर है, तो आप ए और बी को क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस सेट। तो इक्विवेलेंस सेट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ये इक्विवेलेंस सेट होता है। आपका अगला आता है इक्वल सेट। अब बेटा इक्वल सेट तो बिल्कुल 100% नाम से क्लियर, दो सेट के इक्वल होने का मतलब क्या है? अल्टीमेटली इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि पहले वाले सेट में जो एलिमेंट है वही एग्जैक्ट एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी होना चाहिए। जैसे एक सेट अगर हमने ए बोला लेट्स इसमें एलिमेंट था 1, 2, 3, दूसरा सेट अगर हमने बी बोला मान लो इसमें एलिमेंट है 3, 2, 1, ये दोनों के दोनों आपके इक्वल सेट है। बेटा एक बात आप और यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेट में सिक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर हमने बोला एक सेट में 1, 2, 3 है तो इसमें 2 को पहले बोल दूं, 3 को बाद में बोल दूं, 1 को बीच में बोल दूं, ये सब फर्क नहीं करता। तो सेट का मतलब बेटा होता है सिंपली कलेक्शन। तो यहाँ पे इसका फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसका नाम आ रहा है बाद में किसका नाम है, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने बोला एक सेट कैपिटल है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, कैपिटल सेट बी है जिसमें एलिमेंट आपका 3, 2, 1 है, मान लो, फिर एक सेट आपका कैपिटल 3 है, मान लो इसमें आपका 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो आप यहाँ पे एबीसी तीनों के तीनों सेट्स को देख रहे हो, तो तीनों के तीनों सेट्स में एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इस वजह से यहाँ पे एबीसी सारे के सारे सेट्स को आप लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। तो एक इक्वल सेट भी हमें समझ में आना चाहिए। इक्वल सेट के बाद बेटा एक जो आपका थोड़ा सा नया और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का कंसेप्ट आता है जिसका मतलब होता है सबसेट। तो अब हम लोग यहां पे अगले कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सबसेट्स ऑफ अ सेट। कॉपी में सब लोग इस हेडिंग को डाल लेना। सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेट का क्या मतलब है, ठीक है ना। अब बेटा जैसे आप कोई भी एक सेट आप अपने मन से लेट से आप ए को उठा लो, एक सेट हमने ऐसे ए को उठा लिया, ठीक है ना। अब ए में मान लो एलिमेंट्स आपके हैं 1, 2, 3, 4, ए में एलिमेंट मान लो फिलहाल के लिए हमने ए में 4 एलिमेंट्स को ले लिया 1, 2, 3, 4। अब हमने बोल दिया कि यार हम एक नया सेट बनाना चाहते हैं, अब हम एक नया सेट बनाना चाहते हैं और इस नए वाले सेट में जो एलिमेंट होना चाहिए वो पुराना वाला जो ये ए सेट हमने लिखा है इसी ए वाले सेट से हमें नए वाले सेट में एलिमेंट्स को बोरो करना है। तो अब यार कई सारे हम नए सेट्स बना सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने हमने हमसे बोला कि यार ए वाले सेट से आप एक एलिमेंट को बोरो करो और एक नया सेट बना दो, तो एक एलिमेंट को बोरो करने के नाम पर एक नया सेट में 1 बना सकता था, एक नया सेट ऐसे में 2 बना सकता था, एक नया सेट में 3 बना सकता था, एक नया सेट में 4 बना सकता था। या फिर मान लो कोई ये भी बोल सकता है ए वाले सेट से आप 2-2 एलिमेंट्स को बोरो करो और एक नया सेट बना दो। तो अगर मैं 2-2 एलिमेंट्स को अगर मैं बोरो करता और नया सेट बनाता तो क्या बनता भाई? जैसे 2 एलिमेंट के नाम पे 1, 2 को हमने बोरो कर लिया, ध्यान से देखना, या फिर 1, 3 को बोरो कर लिया, या फिर 1, 4 को बोरो कर लिया, या फिर हमने 2, 3 को बोरो कर लिया, या फिर हमने 2, 4 को बोरो कर लिया, या फिर हमने 3, 4 को बोरो कर लिया। तो अगर हमसे बोला जाए कि ए वाले सेट में से हमें 2-2 एलिमेंट्स को उठा के एक नया सेट बनाना है तो टोटल ये नए हम यहाँ पे 6 सेट्स बना सकते हैं। आप समझे ना मैंने कैसे काउंट किया? जैसे पहले मैंने 1 के साथ सबका नंबर लगाया, तो 1 के साथ हमने 2 का नंबर लगाया, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, 1 का काम तमाम हो गया तो ये शुरुआत के 3 ऐसे जल्दी से लिख दी। फिर हमने 2 के साथ नंबर लगाया, अब बेटा 2 के साथ अब 1 का नंबर ऑलरेडी लगा तो आगे वालों का नंबर लगाओ, ठीक है ना। तो 2 के साथ आपका 3 का नंबर लगा, 2 के साथ 4 का नंबर लगा और काम तमाम हो गया। फिर हमने अल्टीमेटली क्या बोला, 3 के साथ हमने नंबर लगाया तो 3 के साथ आपका 4 का नंबर लगा, काम तमाम हो गया, क्योंकि उसके पहले वाले सारे लोगों का नंबर लग चुका था। तो पहले हमसे बंदे ने बोला
ए वाले सेट की मदद से एक नया सेट बनाओ जिसमें एलिमेंट्स आपके एक हो। ए वाले सेट की मदद से एक नया सेट बनाओ जिसमें आपका सिंगल एलिमेंट हो तो 1 2 3 4, डबल एलिमेंट हो तो। मान लो किसी ने हमसे बोला ए वाले सेट की मदद से ऐसे सारे सेट बना दो जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, तो 3 एलिमेंट के नाम पे बेटा हमने सबसे पहले बोला 4 को अगर हमने छोड़ दिया तो 1 2 3 बन गया, 4 की जगह अगर हमने 3 को छोड़ दिया तो 1 2 4 बन गया, 3 की जगह अगर हमने 2 को छोड़ दिया तो हमारा 1 3 4 बन गया, 2 के बजाय अगर हमने मान लो 1 को छोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया 2 3 4 बन गया। तो यहां पे हमने फिर से कुछ एक नए सेट्स लिख दिए। किसी ने हमने बोला कि ऐसे वो सेट्स बनाओ जिसमें चारों के चारों एलिमेंट हो, तब तो एग्जैक्टली आपका जो यहाँ पे ए था 1 2 3 4 इसी को आपको कॉपी मानना पड़ेगा। या फिर हमसे किसी ने बोला एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें कोई एलिमेंट ना लो, तो आप ऐसा सेट मतलब ये लिख दोगे, ठीक है। तो बेटा अब देखो हम लोगों ने क्या किया, मैं बातों को कंक्लूड करने जा रहा हूं। कैपिटल ए सेट दिया था, बंदे ने बोला एक नया सेट बनाओ जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो एग्जैक्टली हमने एम्प्टी सेट लिख दिया। किसी दूसरे बंदे ने हमसे बोला नया सेट बनाओ जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो, तो हमने 1 2 3 4 सबको लिख दिया। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो तो हमने पूरा का पूरा यहां तक लिख दिया। एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हो तो पूरा का पूरा हमने यहां लिख दिया। एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हो तो पूरा का पूरा हमने यहां लिख दिया। अब बेटा यहां पे बोर्ड्स में जितने भी सेट्स आपके लिखे हैं वो सारे के सारे ए के सबसेट कहलाएंगे। हमने क्या बोला कि बोर्ड्स में यहां पे बोर्ड पे इस बोर्ड पे जितने भी हमने नए सेट्स लिखे हैं वो सारे के सारे नए सेट्स जो है वो ए के सबसेट कहलाएंगे। तो ए के सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए से ही कुछ एक एलिमेंट्स को बोरो करके एक नया सेट बनाया जाता है, उस नए सेट को हम लोग ए का सबसेट बोलते हैं। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि टोटल कितने सबसेट्स लिखे हैं तो इसको आप आसानी से काउंट कर सकते हो। बेटा 4 यहां पे लिखा है टोटल, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 और 1 15 और 1 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे A के टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 16 सबसेट्स पॉसिबल है। उन 16 सबसेट्स में ऐसा सबसेट भी है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो, जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो, जिसमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हो और जिसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स हो। तो कहने का मतलब ए के सारे सबसेट्स को हमने लिख दिया। तो किसी सेट के सबसेट का मतलब क्या होता है, एक नया सेट जिसको बनाने के लिए हम पुराने वाले सेट के एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं। बात समझ में आई। ए के टोटल यहां पे जैसा कि हमने बोर्ड्स पे लिखा कितने सबसेट पॉसिबल है, 16 सबसेट्स पॉसिबल है, जिसमें से एम्प्टी वाला सबसेट भी शामिल है और जिसमें से आपका ए वाला जो एलिमेंट, ए वाला जो पूरा का पूरा सेट था वो भी शामिल है। तो यहां से दो बातें हम लोगों को और सीखने को मिलती है। द एम्प्टी सेट इज द सबसेट टू ऑल द सेट्स। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या बेटा हमें सीखने को मिला, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखो यहां पे जो ए वाला सेट हमने लिखा था उसी को हमने कॉपी कर दिया, इसको भी हम सबसेट बोल रहे हैं। तो ए वाला सेट खुद का सबसेट पक्का ही होता है। तो कॉपी में चाहे तो इस बात को लिख ले, एम्प्टी सेट और नल सेट लिखना हम लोगों को है। एम्प्टी सेट और नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पहला स्टेटमेंट लिख लिया। सेकंड नंबर पे हम लोगों को लिखना है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। तो ये बातें ठीक है ना। अच्छा अब जैसा कि यहां पे ये 16 के 16, अच्छा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सेट आपको ए दिया रहेगा, बोलेगा उसका सारा का सारा सबसेट लिख दो। तो जैसे यहां पे हमने ए वाले सेट में 4 एलिमेंट लिखा, सारा का सारा सबसेट हमने लिख दिया, तो ये भी आपके एग्जाम में 2-3 मार्क्स का, मतलब बेसिकली सब्जेक्टिव बोर्ड्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अच्छा एक और बात होती है, एक बेटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कि किसी सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उनको सेट के फॉर्म में लिख दो। जैसे मान लो ये एक सेट ए था, इसके पावर सेट को लेट से हमने कैपिटल पी बोल दिया, तो कैपिटल पी हम लोगों ने ऐसा लिख दिया।
एक हमने कर्ली ब्रेकेट बनाया, आप देखो कैपिटल पी लिखने के लिए हम लोगों ने कर्ली ब्रेकेट बनाया, और उस कर्ली ब्रेकेट में हम लोगों ने एलिमेंट्स के तौर पे ए के सारे सबसेट्स को लिख दिया। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सारे जो सबसेट्स की लिस्ट होती है उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पावर सेट का मतलब सबसेट्स की लिस्ट हो गई, तो पावर सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो नंबर ऑफ सबसेट्स की बराबर होगा। इस बात को आप लोग कुछ सोचो भाई, पावर सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होगा, क्योंकि जो पावर सेट में एलिमेंट्स के तौर पे तो सारे के सारे सबसेट्स लिए जा रहे हैं ना। तो हमें क्या बोलना है कि इसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स बता दो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बता दो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। अब बेटा 11th में एक टॉपिक आप लोग आगे चल के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ोगे, जहां से बेसिकली आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि सबसेट्स की संख्या को निकाला कैसे जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए वाले सेट में अगर हमारा ए वाला सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन, अब देखो ऐसा लिखा जाता है एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन के बराबर है, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं, उनकी संख्या 2 की पावर n के बराबर होती है। तो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि इफ द सेट कैपिटल A, कॉपी में लिख लीजिएगा, इफ द सेट कैपिटल A हैज n एलिमेंट्स, इफ द सेट कैपिटल A हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n। अगर कैपिटल ए में एन एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स की संख्या 2 की पावर एन के बराबर होगी, जो कि समझ में आता है। यहां कैपिटल ए वाले सेट में 4 एलिमेंट्स थे और अभी हमने काउंट किया था कितना सबसेट आ रहा था, 16 क्या होता है 2 की पावर 4। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बताओ पावर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 2 की पावर n के बराबर ही हो जाएंगे। तो इफ द सेट कैपिटल A हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n, एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट विल आल्सो बी इक्वल टू 2 टू द पावर n। समझे बच्चा लोग ना भाई? ठीक है आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल बात है भाई। अच्छा अब जैसे एग्जाम में कई बार और आता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स की संख्या बता दो, तो बेटा अगर किसी भी सेट का आप सबसेट लिखते हो, किसी भी सेट का अगर आप सबसेट लिखते हो तो उसमें एक आपका नॉन एम्प्टी, एक आपका एम्प्टी सबसेट आता है भाई। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर हमसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स की संख्या पूछी जाती है तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 क्या है? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ये आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। ऑब्वियस बात है प्रीवियस वाला एग्जांपल अगर आप लोग देखो, ठीक है तो एक मिनट देखते हैं स्लाइड कहां, प्रीवियस वाला एग्जांपल देखो तो ये जो p वाला जो पावर सेट था इसमें 16 एलिमेंट्स थे जो सारे के सारे सबसेट थे। अब इसमें एम्प्टी वाला सेट हटा दो तो कितना बचेगा? एम्प्टी वाला सेट हटाने में कितना बचेगा? 15 बचेगा ना। वही बात तो बेटा हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा एक बात और यहां पे आती है, प्रॉपर सबसेट। तो अब जैसे अगेन प्रीवियस वाली स्लाइड को आप लोग देखो, जैसे ये ए वाला सेट का सारा सबसेट हमने लिखा, इसमें से बेटा ये ए वाले सेट को भी हमने सबसेट के नाम पे यहां पे लिख दिया था, तो यहां पे आप ए वाले सेट को हटा दो। आप लोग क्या करो, ए वाले सेट को हटा दो। ए वाले सेट को हटाने के बाद जितने भी सबसेट्स बचेंगे उन सारे के सारे सबसेट्स को आप लोग बोलोगे प्रॉपर सबसेट।
तो प्रॉपर सबसेट का मतलब, सिंपल सा मतलब क्या होता है कि उस सेट को आप लोग बेसिकली एक्सक्लूड कर दो। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि उस वाले सेट को बेसिकली आप लोग एक्सक्लूड कर दो। तो अगर मान लो मतलब दैट इज एक्सक्लूड द सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर हमसे बोला जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो आपका जवाब क्या आएगा, 2n-1, ये आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आएगा। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा चलो सवाल करते हैं। हमने बोला कि एक कैपिटल ए सेट है जिसमें एलिमेंट के तौर पे फाई है और सेट फाई है। हमसे बोला जाता है कि इसका जो है पावर सेट लिख दो। इसका पावर सेट लिखने का मतलब है वो वाला सेट लिख दो जिसमें इसके सारे के सारे सबसेट पाए जाते हैं। तो हमसे बोला गया कि क्या लिखना है, पावर सेट ऑफ है। अच्छा ये बताओ पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे भाई, फिलहाल ए वाले सेट में कितना एलिमेंट है, हाँ फिलहाल ए वाले सेट में कितना एलिमेंट है, एक दो। फिलहाल ए वाले सेट में अपना दो एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट होगा। अब उन चार एलिमेंट्स को लिखना है। अब देखिए लिखते कैसे, ए का पावर सेट हमें लिखना है। कई बार इसको ऐसे पावर सेट ऑफ ए लिखा जाता है। हमने पहले सेट बना दिया, बंद कर देते। अब सबसे पहली बात, वो सबसेट्स लिखो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो कोई एलिमेंट ना हो तो उसको तो आप लोग फाई लिखते हो, मतलब फाई इसका एक एलिमेंट होगा, ठीक है। वो सबसेट लिखो जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। अब एग्जैक्टली एक एलिमेंट के नाम पे अब सेट लिखना है। एग्जैक्टली ये फाई आपका था, तो सेट के फॉर्म में लिखोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। भाई हमें सेट लिखना है ना, हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें एलिमेंट के तौर पे फाई हो। तो हमने सेट का सिंबल बनाया, एलिमेंट के तौर पे फाई लिख दिया। वो आप लोग सेट लिखो जिसमें अभी एग्जैक्टली, अच्छा फिर से हमने सेट का सिंबल बनाया और दूसरा एलिमेंट आपका ये है, दूसरे एलिमेंट को हमने यहां पे डाल दिया। तो सबसे पहला द सबसेट हैविंग नो एलिमेंट, सेकंड नंबर पे द सबसेट्स हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अच्छा फिर क्या आएगा, द सबसेट्स हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। अब देखो हमने फिर से सेट का सिंबल बनाया, एग्जैक्टली टू एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट के नाम पे हमने फाई को लिख लिया और एलिमेंट के नाम पे हमने सेट फाई को लिख लिया। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। बेटा बहुत ही एग्जाम में कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा, पूछेगा कि बता दो इस हिसाब से कि कितने आपके पावर सेट्स को लिख दो, मतलब कैसे पावर सेट को लिखा जाएगा। तो फंडा बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। अच्छा अब एक बार और करते हैं, सारा कुछ कर लिया, सेट का सबसेट का सिंबल क्या होता है। बेटा आपको ध्यान है ना, ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल होता था, ये हमारा किसका सिंबल होता था, बिलोंग्स टू का। और जो सबसेट का सिंबल होता है वो आपका, ये हमारा सबसेट का सिंबल है, समझे ना, ये हमारा सबसेट का सिंबल है। जैसे अगर मान लो कभी ऐसे यहां पे ए लिखा है, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका ए लिखा है, यहां आप पे बी लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या पढ़ते, इसको आप लोग पढ़ते ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको इस हिसाब से आप लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए को बनाने के लिए हमने बी किस बी से ही एलिमेंट्स को बेसिकली बोरो किया है, बी से एलिमेंट को हमने उधार लिया। तो बेटा आज की, अभी और भी सबसेट्स में कंसेप्ट आने वाले हैं, तो आज की क्लास का वक्त होने वाला है, तो एक बार हम लोग क्लास को कंक्लूड करते हैं। व्हाट इज, जरूरी जरूरी बातों को, व्हाट इज अ सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरली कैपिटल लेटर ए बी सी डी से। रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो हमारा टैबुलर फॉर्म होता है या फिर अपना सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सही है ना। अच्छा सेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंस सेट, नल सेट,
या एम्प्टी सेट, समझ में आता है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने थी। इसके अलावा सबसेट का क्या मतलब होता है, सबसेट एक ऐसा नया सेट है जिसको किसी पुराने सेट के एलिमेंट की मदद से बनाया जाता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल और एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, वो भी 2 की पावर n-1। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या होते हैं, वो भी 2 to the power n-1 के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जनरली a इज ए सबसेट ऑफ b, तो ये इसका जनरली आपका सिंबल होता है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ दैट सेट। तो ए का पावर सेट क्या होगा, एक नया सेट होगा जिसमें ए के सारे सबसेट्स पाए जाएंगे। तो बेटा यहां पे आज ये अपना 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 हमने आपको, चूंकि अभी आप जस्ट 10th को पास करके आए हो, तो आपको बहुत ज्यादा रफ्तार में इसको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैंने आपको स्लो स्लो तरीके से पढ़ाया जिससे कि आप अपने पेस पे चीजों को अच्छे से सीख पाए। सो दिस वॉज द लेक्चर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। बाकी लेक्चर 2 लेक्चर 3 हम लोग आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। और कुछ भी बेटा अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब के में कॉमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, बाकी पूछो तो के ऐप पे भी आप लोग हमसे उन सारी चीजों को पूछ सकते हैं। बाकी सेट्स में आगे की बातों को लेके मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 2 में आऊंगा। एंड थैंक यू सो मच।